साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने शानदार प्रदर्शन किया था सबसे बड़े दल के रूप में आरजेडी उभरा तेजस्वी यादव ने पहली बार चुनाव की कमान संभाली थी लालू जब जेल में हिरासत में रांची के सरकारी अस्पताल रिम्स में इलाज के लिए भर्ती थे यह लालू का ज्ञान था या तेजस्वी का अपना निर्णय कि उन्होंने पूरे चुनावी कैंपेन में माँ बाप का साया नहीं पड़ने दिया यानी आर के बैनर पोस्टर और तमाम प्रचार सामग्री में लालू राबड़ी की तस्वीर तक नहीं लगने दी नवोदित की तरह तेजस्वी मैदान में उतरे और पहली बार में ही बड़ी कामयाबी हासिल कर ली तब आर जेडी ने विधानसभा की एक सीटों पर लड़कर पचहत्तर जीत ली थी तेजस्वी के महागठबंधन में आर के अलावा कांग्रेस ने सत्तर सीटों पर लड़कर उन्नीस सीपीआई ने उन्नीस पर लड़कर बारह सीपीआई ने 6 पर लड़कर दो और सीपीआईएम ने चार पर लड़कर दो सीटें जीती थी यानी महागठबंधन को 110 सीटें आ गईं बाद में तेजस्वी ने एआईएमआईएम के चार विधायकों को अपनी पार्टी के साथ जोड़ लिया तेजस्वी की पॉलिटिकल ट्रेनिंग 2015 में शुरू हुई जब महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस के साथ आरजेडी ने 2015 में ही महागठबंधन बना लिया था तब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी महागठबंधन का हिस्सा थी महागठबंधन ने 2015 में सरकार बना ली थी नीतीश के नेतृत्व में बनी सरकार में तेजस्वी यादव पहली बार डेप्यूटी सी बने हालांकि नीतीश ने दो में महागठबंधन से रिश्ता तोड़ लिया और भाजपा के साथ सरकार बना ली थी नीतीश का साथ छूटने के बाद तेजस्वी ने जनता से रिश्ता बनाए रखा इसका प्रतिफल तेजस्वी को 2020 विधानसभा चुनाव में मिला वे विधानसभा में सदस्यों की संख्या के हिसाब से एनडीए से आठ नौ सीटों की कमी के कारण सरकार बनाने से चूक गए पर इतना तो उन्होंने साबित कर ही दिया कि वे बिहार के सियासत में सबसे तेज उभरता सितारा हैं तेजस्वी को बिहार का दूसरी बार डेपूटी सीएम बनने का मौका तब मिला जब नीतीश कुमार ने 2022 में उन्होंने नीतीश को पटाकर एनडीए से अलग करने में कामयाबी पाली इसके बाद वे सत्रह महीने तक नीतीश की सरकार में दूसरे ओहदे के मंत्री बने रहे दूसरी बार वे डेपूटी सीएम बने नीतीश के साथ रहकर तेजस्वी ने राजनीति में कई तरह की बारीकियाँ भी सीख लीं नीतीश ने जब 2024 में तेजस्वी को झटका दे दिया तो वे बेरोजगार हो गए इसका उन्होंने सदुपयोग किया पर्याप्त समय मिला तो लोकसभा चुनाव के दौरान 200 से भी अधिक बिहार में चुनावी दौरे कर लिए भीड़ भी उनके सभाओं में खूब उमड़ी वोट भी खासा मिले पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में आर को एक भी सीट नहीं मिली थी और वोट शेयर भी पंद्रह ही था इस बार तेजस्वी यादव ने अपनी नेतृत्व क्षमता का कमाल दिखाया लोकसभा चुनाव में पिछली बार से तकरीबन सात अधिक प्रतिशत वोट हासिल किया यह पिछले मुकाबले से सात फीसदी अधिक है यानी इस बार बाईस दशमलव एक चार फीसदी उन्होंने वोट हासिल किए और इकलौती किसी भी पार्टी से ज्यादा है आरजेडी का वोट शेयर तो बढ़ा ही पर सीटें सिर्फ चार ही आई हैं यह तेजस्वी की चिंता का बड़ा कारण है